एसपी सिटी सोनम कुमार ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर में पुलिस चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तुर्कमानपुर में पुलिस चौपाल लगाया गया तथा लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा सभी लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की समस्या बताई है तथा लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की गई तथा सभी लोगों को मोबाइल नंबर दिया गया है, जिससे किसी तरह की समस्या आने पर बात करके समस्या का निस्तारण किया जा सके। एसपी सिटी ने बताया कि लोगों को ऑपरेशन ईगल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है तथा सभी लोगों को बताया गया है कि किसी के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर किसी तरह की धोखाधड़ी की गई है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई किया जा सके तथा सभी नागरिकों का बीपीओ के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिससे सभी लोग अपनी समस्या ग्रुप में बता सकें और उनकी समस्या का निस्तारण हो सके। उन्होंने बताया कि पुलिस चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद, किरायेदारी विवाद से संबंधित आए थे तथा सभी मामलों के निस्तारण के लिए सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट की टीम बनाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र सहित तुर्कमानपुर के नागरिक मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, दोनों की टीम आएगी, जो निर्णय करना हो, जिसके पक्ष में निर्णय करना, निर्णय करा देगी पुलिस, उसको फॉलो कराए। उन्होंने बोले कि नहीं, किसी के नाम पे नहीं किया, पिताजी के नाम पे, और रिकॉर्डिंग हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपस में बैठ के आप लोग बात कर ले, कोई चीज निकल जाए आपस में, नहीं तो आप दोनों लोगों की जगह पे तीसरा वही किराएदार जो है। हर जगह कागज देखिए, ये है आपके सारू लेकर निकाले। चलिए ये सारू किसी के लेकर का नाम व्हाट्सएप भेजें आपको, ये है इनके सारू, ये है इनके। हम लोग पूरा प्रकरण जानते हैं, एक एक डाला है, एक चाबी है, उसको आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। अब इनका कहना है कि हमको वसीयत हो गया पहले, तो अब इनकी शनिवार फिर समाधान दिवस लग रहा है, तो ये मेरी रिपोर्ट आज चली जाएगी दोनों लोगों का कार्य का, जो होगा आप वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट सर के यहाँ पर नगर निगम नहीं। अच्छा, जो चीज़ बिल्डिंग का जो स्वरूप है जैसे है वैसे ही रहेगा। सर हम तो आपके आदेश का इतना पालन किए हैं, मेरी फिर भी आज आप कह रहे थे कि पुलिस ने ताला लगा दिया, पुलिस ने आज सभी सर का निर्देश प्राप्त हुआ, सभी चौकी जा सभी ठेला और जितने भी लोग लोकल पटरी पे लगाते हैं सबसे आज आग्रह किया जा रहा है कि आप दो दो फीट अंदर लगाएं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है, तो उस समस्या के निराकरण में भी सर का आज आप लोग अगर कोई फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या किया जाए तो कि और बेहतर बनाया जा सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँगा, ये एक ऑपरेशन ईगल चला रहे हैं लोग, उसमें ये है कि अगर आपके साथ नौकरी देने के नाम पे कोई धोखाधड़ी कर रहा है या विदेश भेजने के नाम पे किसी ने धोखाधड़ी करी, आपके पैसे ले लिए और नौकरी नहीं दी आपको, या बोला कि हम आपको विदेश भेज देंगे, दुबई भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, पैसे ले लिए और धोखाधड़ी कर, वो तत्काल हमें आप बता दें, उससे तत्काल FIR हो जाएगा। कप्तान साहब का आदेश है, कोई भी धोखाधड़ी का मामला होता है तो पहले उसकी जाँच कराई जाती है, उस जांच में उस सत्य पाया जाता है तभी उसके FIR होता है, लेकिन नौकरी और विदेश के नाम पे जो धोखाधड़ी है इस पर डायरेक्ट FIR का आदेश कर दिया था, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ईगल। तो आप अभी यहाँ हैं, आपके दोस्त होंगे यहाँ पे जो भी होंगे, पूरे गोरखपुर क्षेत्र में जो भी होंगे उनको बता दीजिएगा, मेरे ऑफिस में आ जाए तत्काल उनका FIR करा दिया जाए। ऐसा ले लेते हैं 80,000 90,000 1,00,000 ले लेते हैं और फिर वो जा नहीं पाते हैं, गरीब लोग इधर उधर उधार मांग के देते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, तो जिनकी भी कोई आपकी या आप
सारा रिकॉर्ड तो निकाल लिया हूँ, सारा रिकॉर्ड निकाल के दे दिया। इनकी यही आदत है, देख लेंगे तो जांच से पता अब तक पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, तीन तरह के मामले आए, कितने लोग गिरफ्तार हुए। देखिए तुर्कमानपुर में हमने पुलिस चौपाल का आयोजन किया है, यहाँ के लोगों से बातचीत की है, बच्चे भी इसमें जुड़े हैं, किशोर भी थे, वयोवृद्ध लोग भी थे, सबने अपने अपने समस्याएं बताई हैं। इन सब के साथ जो है आगामी चुनाव के दृष्टिगत भी बात की गई है, जो भी अगर कोई समस्याएं नहीं आती है इन्हें हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, ये हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें ऑपरेशन ईगल के बारे में ब्रीफ किया गया है, इनके कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जिनके साथ धोखाधड़ी अगर हुई हो तो तत्काल हमें बताएं, तत्काल उसमें FIR करके कार्रवाई की जाएगी। और इन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, यहाँ के जो BPO हैं उनके साथ ये जुड़ेंगे और व्हाट्सएप पर ही अपनी समस्या बताएंगे और तत्काल कार्रवाई उस पर की जाएगी। सर लगभग किस किस तरह के मामले हैं? देखिए इसमें अलग अलग तरह के मामले आए थे, कुछ जमीन संबंधी विवाद थे, कुछ किराएदारी को लेकर के विवाद थे, इस तरह के कई सारे मामले हमारे पास आए हैं। सबके लिए हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, CEO और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों मिलकर के इनके समस्याओं का समाधान करेंगे।